आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट LCA तेजस मार्क 1A के बारे में। द ट्रिब्यून नाम के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जहां पर कहा गया है कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी तेज की जाए। वो चाहते हैं कि HAL की तरफ से 16 तेजस मार्क 1A हर साल डिलीवर किए जाएं और वायुसेना की तरफ से जो 83 तेजस की डील साइन की गई थी उसके हिसाब से 16 तेजस हर साल डिलीवर किए जाएंगे और अगर HAL ऐसा नहीं कर पाता है तो वहां पर पेनल्टी का भी क्लॉज है। द ट्रिब्यून के आर्टिकल में एक और इम्पोर्टेंट चीज कही गई है कि हिस्टोरिकली जब HAL की तरफ से LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी की गई थी तो इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में डिले हुई थी। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर कर लिया गया है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोविजन क्रिएट कर लिए गए हैं कि 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर आसानी से डिलीवर किए जा सकते हैं और अगर भारतीय वायुसेना एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर देती है तो ये प्रोडक्शन रन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक जा सकता है। ये तो ही ओवरऑल इस आर्टिकल की बात, लेकिन इस आर्टिकल के बाद में अलग अलग तरीके के ओपिनियन आना शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में डिले बता दी है और इस तरीके की प्रॉब्लम तभी निकल कर आती है जब बहुत सारे लोग केवल हेडलाइन से न्यूज पढ़ते हैं। देखिए, न्यूज एक इम्पोर्टेंट चीज है और मुझे याद है कि बहुत पहले एक न्यूज चैनल हुआ करता था जिसका नाम था स्टार न्यूज और उनके एक एडवर्टीजमेंट में कहा जाता था, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब तक आप न्यूज को पूरी तरीके से ना समझें तो उसके ऊपर ओपिनियन ना बनाएं। देखिए, LCA तेजस मार्क 1 को लेकर बहुत सारी परेशानियां हिस्टोरिकली रही हैं और इस चीज को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत ने इनिशियली जब इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था तो उसके तुरंत बाद भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे थे जिसका नुकसान इस प्रोजेक्ट को झेलना पड़ा था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की अप्रोच भी काफी डिफरेंट थी। नॉर्मली जब आप एक नया फाइटर जेट को इंडक्ट करते हैं तो आप उसको लिमिटेड कैपेसिटी के साथ में ही इंडक्ट करते हैं और धीरे धीरे कैपेसिटी के ऊपर बिल्ड करते चले जाते हैं। F-35 लाइटनिंग 2 को इनिशियली जब इंडक्ट किया गया था तो उसको IOC के साथ ही इंडक्ट किया गया था और धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्ड की जाती रही। भारत के केस में इनिशियली IOC स्टैंडर्ड के तेजस को डेवलप किया गया था, लेकिन प्रोडक्शन रन के ही दौरान FOC स्टैंडर्ड के ऊपर भी काम शुरू हो गया था और पहली 16 यूनिट IOC स्टैंडर्ड की थी और उसके बाद की 16 यूनिट FOC स्टैंडर्ड की यूनिट थी। नेचुरली IOC और FOC के बीच में समय लगता है और जब तक इस एयरक्राफ्ट को लेकर FOC नहीं आया था तब तक आपका प्रोडक्शन रन रुका हुआ था। देखिए, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि HAL की तरफ से चीजों को डिले नहीं किया गया था। कोविड के दौरान HAL की तरफ से डिले हुई है और FOC स्टैंडर्ड की लास्ट 4 यूनिट तेजस को लेकर भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि इन एयरक्राफ्ट के लिए जो रेडार आने थे वो इसराइल से आने थे और रेडार लगभग 8 महीने लेट हुए थे। देखिए, भले ही यहाँ पर एयरक्राफ्ट की डिले के पीछे कारण इसराइल से आने वाले कंपोनेंट्स हों, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चीफ इंटीग्रेटर HAL था और ब्लेम उनका ही है। ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम पे केवल HAL की तरफ से चीजें डिले हुई थी। कुवैत के FA-18 सुपर हॉर्नेट्स के साथ में बोइंग की तरफ से भी डिले हुई थी। F-35 की डिलीवरी को लेकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से डिले हुई थी। ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ में डिले हुई थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं चिप शॉर्टेज एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन लगभग उसी समय फ्रांस की तरफ से Dassault एविएशन रफाल बिल्कुल सही टाइमलाइन के साथ में, इनफैक्ट टाइमलाइन से पहले भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा रहे थे। इसके पीछे कारण ये है कि रफाल की सप्लाई चेन पूरी तरीके से फ्रांस के अंदर है और इसी वजह से इस कंपनी के पास में इसकी सप्लाई चेन के ऊपर एक बेटर होल्ड है। देखिए, फ्रांस का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी अलग है और ये चीज हम लोगों को एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि अभी हम लोग फ्रांस के लेवल पर नहीं है जहां पर हर कुछ भारत में बनाया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत चीजों को बाहर से इंपोर्ट कर ले। यहाँ पर भारत की तरफ से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है और LCA तेजस मार्क 1A इसका एक प्रीमियर एग्जांपल है। इस एयरक्राफ्ट की शुरुआती 20 यूनिट में इजरायली रेडार होगा, लेकिन 21वीं यूनिट ऑनवर्ड्स भारत में बना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार उत्तम इसमें प्लेस किया जाएगा। यह एयरक्राफ्ट बनकर ऑलरेडी तैयार है और ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग भी कम्प्लीट कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले साल फरवरी से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर कोई डिले विले नहीं है, एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।